जो अस्पताल में लोगों की सेवा करते करते सो गई थी, उसे ये पता ही नहीं था कि वो कभी उठेगी ही नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में देश में अब भी उबाल चरम पर है। कोलकाता में ट्रिनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में अब एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। इस केस की गुत्थी सुलझने से पहले ही घटना से जुड़ा एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में जो भी बात कही गई है वो काफी चौंकाने वाला बताया जा रहा है। ऑडियो क्लिप में कई तरह की आवाजें आ रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि घटना में कई लोग शामिल थे। ये वायरल ऑडियो आरजी कर हॉस्पिटल के एक इंटर्न और दूसरे अस्पताल के एक पीजीटी डॉक्टर के बीच बातचीत की है। बातचीत के दौरान इंटर्न ने बताया कि असली कहानी कुछ और है। इंटर्न बताता है कि ये पूरा मामला एक नाटक है और घटना को अंजाम देने वाले असली अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। कोलकाता रेप केस की घटना से जुड़े इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। इस ऑडियो क्लिप में ये तक कहते सुना गया है कि संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया गया है। ऑडियो क्लिप के अनुसार बल्कि उस महिला पर एक नहीं बल्कि दो या तीन लोगों ने हमला किया था। ऑडियो में इंटर्न आगे कथित तौर पर कहते हुए सुना गया कि यह देखकर अच्छा लगता है कि बाहरी लोग हम पर निर्भर होकर इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं टिक सकते। संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया गया है। इसके साथ ही अधिकारी चाहते थे कि हम इसे भूल जाएं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो खुलासा हुआ है कि महिला डॉक्टर पे एक नहीं बल्कि दो या तीन लोगों ने हमला किया था। इस पर पीजीटी डॉक्टर पूछता है, यह कौन हो सकता है, आपको क्या शक है? एक दूसरे इंटर्न पर शक जताते हुए यह इंटर्न कह रहा है। उसका परिवार काफी ऊंचे पद पर है, मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। दुख होता है सोचकर कि मेरे अपने बैचमेट ने ऐसा किया है, अब उसे बचाने के लिए कई खेल खेले जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ऑडियो में इंटर्न पीजीटी डॉक्टर से बाहरी मदद की गुहार भी लगा रहा है। वो कहता है से कुछ भी उम्मीद ना करें। आरोपी को छुपाया जा रहा है, जहां जनरल मीटिंग में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है और प्रिंसिपल आकर कहते हैं कि वो रात में वहां सोई ही क्यों थी। बता दें कि इस वायरल ऑडियो के बाद लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि कड़क इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि मामले में सिर्फ एक ही आदमी शामिल था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि इतनी विभत्स वारदात को क्या कोई अकेला शख्स अंजाम दे सकता है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी का गला घोटने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है और जिस तरह से महिला डॉक्टर का गला घोटा गया है उसमें एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घिनौनी और शर्मसार कर देने वाली वारदात से एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोलकाता मर्डर केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। बीते शुक्रवार को सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। सीबीआई ने बीती रात उन्हें एक नोटिस भेजा, लेकिन संदीप घोष ने टालने की कोशिश की और अपने वकील के जरिए सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।